जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद की हम अपनी परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ते हैं। कभी यह मिट्टी, कभी यह मां हो जाती है, कभी इसे हम दोहन करते हैं, कभी इसका चीर हरण करते हैं, कभी इसे चीर करके इसमें से दाने उगाते हैं, हमारी पालक भी है, हमें पोसती भी है, कभी इस पर लात भी मारते हैं हम, कभी गुस्सा भी इस मिट्टी से करते हैं, हम घर नहीं लौटेंगे ये कहते हैं, हम फिर दोबारा नहीं जाएंगे ये कहते हैं, हम सब कुछ करते हैं इस मिट्टी के साथ जी। लेकिन इस मिट्टी के प्रति हमारी वफादारी जब जब जरूरत पड़ी है तब हमने दिखाया है जी। चाहे वो किसी देश के साथ युद्ध की बात हो, भले हमारे प्रधानमंत्री दान में दे दें बांग्लादेश को भारत की जमीन कि उसकी उसको जरूरत है जी, दरियादिली उनकी हो सकती है, लेकिन ये दरियादिली पेट पर नहीं हो सकती है, पेट के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। भूख सबसे बड़ी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक बैग इमरजेंसी लगा देना, एक बैग लॉकडाउन लगाना, ये गलती थी कि पहले से तैयारी नहीं है और इस तैयारी का खामियाजा हमने भुगता है जी। तो भुखमरी के लिए तो कम से कम अभी से डटे रह जाए। कहां गया वो फंड सीएम कोष में जो भरा गया है, फंड दिया गया है, कहां गया वो फंड जिसको पीएम कोष में दिया गया है, उसका कोई आंकड़ा है क्या, कोई पारदर्शिता है क्या कि वो खर्च कहां किया जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो रातों रात। आज रातों रात का जो मुद्दा है वो कोरोना से रिलेटेड भी है और साथ ही उन परेशानियों से रिलेटेड है जो कोरोना के साथ साथ स्टार्ट हुई। बात करेंगे आज कोरोना से नहीं, भुखमरी से मरने वाले लोगों की। जिस तरह से देश में कोरोना हावी हो चुका है और 10 दिन से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, और लॉकडाउन में सारे दुकानें बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं खुली हैं, राशन के दुकान खुले हैं, लेकिन राशन आखिर खरीदेगा कौन? आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो दिन भर मजदूरी करते हैं और उसी पैसे से वो रात में खाना खाते हैं। अब उन लोगों की मजबूरी ऐसी हो गई है कि वो मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है करने को। आज हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। जिस तरह से बाबा हमारे साथ बैठे हैं, साथ में ऋचा यहाँ बैठी हैं, ऋचा बाहर जाती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने कई चीज़ें ऐसी देखी, आपको दिखाया भी भारत लाइव के माध्यम से, और बाबा यहाँ बैठे हैं, बाबा के पास हर रोज सैकड़ों फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। इस बीच बाबा कई जगह निकले भी हैं, जगह में यहाँ पे अगल बगल की बस्तियों में निकले हैं जहाँ पे उन्होंने राशन दिया भी है। तो ये जो स्थिति है, कोरोना से लोग को डर नहीं लग रहा है लेकिन भुखमरी से बहुत ज़्यादा लग रहा है। कोरोना के लिए हमारे पास कॉल नहीं आ रहा है कि सर हमको कोरोना हो गया, लेकिन इसके लिए कॉल आ रहा है कि सर हमारे पास राशन खत्म हो गया, कैसे जिएंगे। बात करते हैं बाबा से। बाबा, जो स्थितियाँ इस समय बनी हुई है, जिस तरह से भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं, अभी तो फिर भी देख रहे हैं कि 10 दिन तक हो गया, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, जो दिन दिहाड़ी मजदूर जिसको आप कह सकते हैं फैक्ट्रियों से निकाले गए हैं, घर वापस आए हैं, कई जगह से हमने दिखाया रिपोर्ट कि दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पैदल घर आए हैं, और क्या माजरा था, सिर्फ घर वालों से मिलने के लिए, और फैक्ट्री ने उन्हें निकाल दिया कि फैक्ट्री बंद हो गई, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है, क्या लगता है बाबा ये किस तरफ इशारा कर रहा है? रवीश, सबसे पहले तो कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, वैश्विक आपदा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे बड़ी अगर कोई महामारी इस बीच में आ गई है इन 10 दिनों में तो वो है भूख जी। और इस भूख पर जितनी भी बातें की जाए, अगर ये पेट नहीं होता तो लोग बिहार से बाहर नहीं गए होते जी। और जो संख्या नज़र आ रही है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिहारियों की संख्या नज़र आ रही है, जो अपना राज्य, अपना घर परिवार छोड़ करके और रोटी की तलाश में गए हैं जी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, महामारी आपकी चाहे जितनी बड़ी हो, आपदा चाहे जितना बड़ा हो जी, जब एक बार एक आदेश पर पूरे देश ने प्रधानमंत्री की बात को मान लिया तो प्रधानमंत्री को भी, उनके खाने पीने, मुख्यमंत्री जी को भी उनके खाने पीने और कम से कम इस लॉकडाउन में संघर्ष करने की शक्ति अगर कहीं से जुटानी हुई जी, तो उसका व्यवस्था तो करना पड़ेगा। एक वो बड़ी बढ़िया कहावत है, हम लोग आज लगातार चर्चा कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से बहुत सारे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन इस चर्चा के बीच में एक चर्चा बहुत जरूरी हो जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है जी, तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, खाली पेट और खाली मन ये दो ऐसा चीज है जो शैतान की तरह हो जाता है। कहा जाता है खाली मन शैतान का डेरा है। अभी जो मजदूर रोज कमाते थे रोज खाते थे उनके लिए भुखमरी की स्थिति आ गई है जी। वो अपना खून जला करके रोटी का इंजाम करते थे, उससे कई घर चलते थे जी। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ये तक कह दिया है कि अभी सिर्फ बात कोरोना की हो, जनहित के बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो दुकानें खुल गई हैं, उनका कहना है कि ये सब मुद्दे जो हैं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक भूखा व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको याद होगा आदम की कहानी याद होगी, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग कथा कहानियों में बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके साथ साथ जो फैक्ट्स हैं, अगर आप आंख बंद कर लें, इसका मतलब आज लाइट बंद हो किया कल आपने जी, जब लाइट बंद किया तो क्या उससे दिन हो गया अंधेरा हो गया? नहीं हुआ, अंधेरा जहां था वहीं रहा। अगर आप बत्ती जला दिए तो क्या उससे दिन हो गया? नहीं हुआ। एक भरोसा जरूर हुआ कि हाँ इस रोशनी ने हमें ताकत दिया है, लेकिन ये ताकत उन लोगों के लिए है जो अपने घर की मुंडेर पर छतों पर अपने आलीशान बिल्डिंग पे दीप जलाएंगे खुशियां मनाएंगे। उनके लिए तो दिवाली है जी। उनके लिए ईद है, उनके लिए होली है, लेकिन जो जमीन पे सोते हैं कच्चे मकान हैं या फिर उनको मकान से ही निकाल दिया गया है, कहीं किसी शेल्टर होम में रह रहे हैं जहां उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया गया है, खाने के लिए भेड़ बकरियों की तरह उनके सामने फेंक दिया जाता है, परोस दिया जाता है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं जी। और इन सब बातों का हिसाब गिन गिन करके लिया जाएगा जब कोरोना समाप्त हो जाएगा। कोरोना को तो हारना ही है, क्योंकि 133 करोड़ भारतीयों का इतना बड़ा हिम्मत है, इसने बहुत कुछ हराया है जी। हर दुख के समय में हम एक साथ इस दोनों पांचों उंगलियों की तरह हम मुट्ठी बन जाते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दिखाया है जी। वो बिहारी जो दिल्ली से पैदल चल के अपने पांव के फोले भी नहीं दिखाता है, हम वो लोग हैं जो 117 किलोमीटर जल ढारने के लिए जाते हैं देवघर जी। हमें डर नहीं है, हम वो हैं जो हम उपज करते हैं, हम खेतों में रहते हैं, हम पानी में धान की रोपनी करते हैं, बुआई करते हैं, उसमें सांप निकलते हैं, हमें कोई डर नहीं होता है जी। लेकिन एक डर जरूर है, और आप यदि उस डर को लेकर के हमें उल्टा कहते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें पेटू कहते हैं, हमें भुक्कड़ कहते हैं, कह लीजिए आज समय आपका है। कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित है कि इन सब बातों के बीच में भूख बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद की हम अपनी परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ते हैं। कभी यह मिट्टी, कभी यह मां हो जाती है, कभी इसे हम दोहन करते हैं, कभी इसका चीर हरण करते हैं, कभी इसे चीर करके इसमें से दाने उगाते हैं, हमारी पालक भी है, हमें पोसती भी है, कभी इस पर लात भी मारते हैं हम, कभी गुस्सा भी इस मिट्टी से करते हैं, हम घर नहीं लौटेंगे ये कहते हैं, हम फिर दोबारा नहीं जाएंगे ये कहते हैं, हम सब कुछ करते हैं इस मिट्टी के साथ जी। लेकिन इस मिट्टी के प्रति हमारी वफादारी जब जब जरूरत पड़ी है तब हमने दिखाया है जी। चाहे वो किसी देश के साथ युद्ध की बात हो, भले हमारे प्रधानमंत्री दान में दे दें बांग्लादेश को भारत की जमीन, तो उसकी उसको जरूरत है जी, दरियादिली उनकी हो सकती है, लेकिन ये दरियादिली पेट पर नहीं हो सकती है, पेट के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। भूख सबसे बड़ी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लॉकडाउन आपने कर दिया, आज नीतीश जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की उन्हें उपाधि प्राप्त है, उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, न्याय के साथ विकास कहा जाता है, बहुत कम शब्द में बातें अपनी रखते हैं, लेकिन जो शुरुआत उन्होंने किया, नीतीश कुमार के कंपटीशन नीतीश कुमार है, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा जी बार बार
इस बात को रिपीट करते हैं कि नीतीश का कंपटीशन कोई नहीं है, लालू का कंपटीशन कोई नहीं है, मोदी का कंपटीशन कोई नहीं है, वो खुद में अपने आप में कंपटीशन है। लेकिन आप अपने आप से कंपीट करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको इससे आगे का सोचना है जी। आपने लॉकडाउन की बात कह दी, आपने हिंदुस्तान के लोगों को कह दिया कि सिर्फ आप जनता कर्फ्यू लगा लीजिए, देश ने लगाया, आपने कहा थाली पीटिए शंख बजाइए, लोगों ने माना ना जी। थाली और शंख का आपने भी कवर किया था, हम लोगों ने भी थाली शंख बजाया था और बहुत सारी बातें हुई। आज जब आपने दिया जलाने की भी बात कही तो कल देखा होगा आपने कि सारे लोगों ने अपने घर पर दिया जलाया, लेकिन जिस तरह से एक उस आदमी की बात हुई जो चाक चला करके दिया बनाता था, रोशनी तो दूसरे घरों में फैलाता है लेकिन उसके पेट की स्थिति क्या थी जो 80 साल के उम्र में भी वो चाक चलाने के लिए मजबूर है, आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं जी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं नीति और नीतिगत फैसले, इसका हम डिफरेंसेस नहीं निकाल पा रहे हैं। नीति अलग होती है और नीतिगत फैसले अलग होते हैं जी। आप नीति बना सकते हैं लोगों को सुविधा देने के लिए, लेकिन नीतिगत फैसले ऐसे समय में जब लिए जाते हैं तो मास को देखा जाता है, जिन लोगों पर, जिस घोड़ा को आपको रेस में दौड़ाना है उसके पैर दबाने पड़ते हैं, उसकी मालिश करनी पड़ती है, उसके खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आपने कह तो दिया जी कि आप 21 दिन का लॉकडाउन में आइए, अपने घरों में कैद रहिए, हिंदुस्तान ने अपनी उस बात को माना। कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं, जो लोग इस बीमारी को और बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं उस मास की बात कर रहा हूं जो आपकी बात मान लेता है, आपके साथ घंटी बजाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके साथ दिया जलाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके हर आदेश को मानता है। उस बिहार के लोग जहां आपसे मांगने पर आप सुविधाएं नहीं देते हैं, संसाधन मुहैया नहीं करते हैं, वो डॉक्टर्स जो बिना संसाधन के इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, कमर कसे हुए हैं, वो पत्रकार आप लोग जैसे, क्या सुविधाएं सरकार ने आपको दी है? आपको एक पत्रकार होने तक का एक्रेडिशन तक देने के लिए सरकार 10 बार सोचती है कि एक्रेडिशन कैसे दे दें इसको हम जी, इसमें क्या क्वालिटी है? और आज आप ही लोग हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को यह दिखाया कि हाँ हम हिंदुस्तान के लोग, हम बिहार के लोग इतने जिजीविषा वाले हैं, इतने जीवट हैं कि हम कोरोना को क्या, हम किसी को भी हरा सकते हैं, मौत भी सामने आ जाएगी तो हम हराने के लिए तैयार हैं जी। और ये जज्बा अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान इसीलिए सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान को बार बार कहा जाता है कि विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, उसके पीछे न हमारे मुख्यमंत्री हैं, न हमारे प्रधानमंत्री हैं, न हमारे गृह मंत्री हैं, न हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो 133 करोड़ लोग हैं जी। अब इन सब बातों को लेकर के आपको याद होगा कि कभी इंदिरा गांधी भी खुद में स्वमेव थी जी, उनके मुंह से निकलने वाली बातों को कानून कहा जाता था, लेकिन क्या हर्ष हुआ उनका, वो फेल कर गई ना, उन्हें लगा कि जो मैं कहूंगी हमारा देश मान लेगा, लेकिन जायज बातें देश मानेगा। इस देश के लोग मूर्ख हैं ऐसा आप मत सोचिएगा, इस देश के लोगों को पागल समझिए ऐसा मत कहिएगा, दीवाना है आप ऐसा मत कहिएगा। हां उनकी दीवानगी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए है, अपने लोग के लिए, अपने परिवार के लिए है और अपने समाज के लिए है जी। आज इसके लिए लोग अपने घरों में लॉक हैं कि मेरे कारण मेरे परिवार मेरे समाज के लोगों को ये बीमारी नहीं फैल जाए, आज इसलिए है जी। इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आप अगर सोच रहे हैं कि आपके कहने पर है तो आप सिर्फ एक माध्यम है जी। लोगों ने स्वतः अपने आप को कैद किया है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, आखिर क्या जरूरत थी अभी इस बात को कहने की कि अभी दूसरे कोई मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं। आप भूखे पेट रख करके कई दिन किसी को कर सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि बिहार से लेकर के देश भर में कई जगह लोगों को खाना नहीं मिला, उनको क्वारंटाइन करने के लिए, उन्हें आइसोलेट करने के लिए स्कूलों में कैद करके रखा गया, स्कूल की दीवारें टूटनी शुरू हो गई हैं, स्कूल के दरवाजे टूटने शुरू हो गए हैं, मारपीट शुरू हो गई है, आप समझ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भूख इतनी बड़ी है कि वो किसी भी युद्ध से बड़ी है जी। भूख से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता है, आदमी आदमी को मार करके खाता है, हमने अपने इतिहास में पढ़ा है जी। बाबा इस पे एक बात कहना चाहूँगा, जब हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बाहर निकले थे, उन्होंने एक आदमी से पूछा था कि आप घर क्यों जा रहे हैं, तो उसने ये बोला था कि अगर मैं भूख से मर जाऊं तो मैं ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, और यही अगर मैं बीमारी से मरता हूं तो कम से कम ये कह सकता है कि मैं लड़ते लड़ते मरा हूं। रवि इसी पर यह प्रसंग जरूरी था मेरे लिए कहना कि एक शख्स ने मुझे फोन किया जी,
और उसने सीधे, ये उसे नहीं पता था क्योंकि वो मजदूर है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, उसने सीधे फोन किया और मुझसे जिस भाषा में उसने बात किया, उस भाषा को तो मैं नहीं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ, लेकिन उसने जो शब्द कहे वो ये था, कि हो नीतीश जी, भोटा लेबो ना, आप समझ सकते हैं, आ रहलियो हो, चुनावा हो तो जरूर हमरा खोज ली हो, आज तो ना खोजी हो, लेकिन चुनावा के समय में जरूर खोजी हो, भोटा है हमरो पास 1000 ही है हमनी, अबो भोटा देबो हमनी, मतलब कहने का उसे पता था कि ये जो नंबर हम लोगों ने जारी किया है ये नंबर हेल्पलाइन है और ये नीतीश जी का नंबर है जी। हमने जब उसे समझाया कि मैं मीडिया वाला हूँ, हमने जान करके आपको नंबर दिया है कि यदि आप समस्याग्रस्त हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वो उचित नंबर देंगे जिस नंबर से आपको सुविधा मिलेगी। तब उसने कहा कि इतनी भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने दी कि कोई फोन नहीं उठाता है। मुझे तो लगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नीतीश जी ने मेरा फोन उठा लिया, हम तो वही सोच के फोन किए थे। मीडिया वाले भाई आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप कम से कम बात तो कर लिया, आपके बात करने से हमको इतना संतुष्टि मिला कि कोई तो सुना हमारी बात। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार फोन कर रहा हूं, कोई फोन उठा नहीं रहा है। खैर ये तो बातें अलग हैं। अब सबसे जरूरी चीज है कि सरकार ने एक पहल जरूर किया है और वो पहल है सर्वदलीय बैठक बुलाने की। आप एक चीज देख रहे होंगे, सदन में जब सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, MLC की, MLA की जब कोई चर्चा होती है, कोई उसके लिए कानून बनाया जाता है, तो सभी एकजुट हो जाते हैं जी। उस कानून पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। जनता के लिए कानून बनते हैं तो उस पर बहस होती है, उस पर बहुत तरह की बातें सामने आती हैं। ठीक वैसा ही देखा गया कि कोरोना के समय में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब लोग एक साथ जुट के चले आए। ये राष्ट्रीय आपदा थी और इस आपदा को हमने मान भी लिया था, लेकिन आपके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ था कि कहीं ना कहीं ये बातें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि सरकार ने, जिसके हाथ में ये पूरा तंत्र था, वो फैसला लेने में अगर देरी करती है तो वो तो कारण है ही, लेकिन फैसला लेने से पहले इस बात को भी सोचना चाहिए था कि ये जो लोग हैं अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, उनके राशन पानी की व्यवस्था कौन करेगा, कैसे वो लोग अपने जीवन के संघर्ष में अपने आप को जीवित रख पाएंगे जी। ये प्रश्न शायद हम लोगों ने मिस कर दिया है। मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि शायद उस समय हम लोगों को भी चाहिए था कि 22 तारीख को ही, जैसे हुआ हम लोगों को अंदेशा हो चुका था, हम लोगों ने कहा भी था कि ये आगे बढ़ाया जा सकता है, 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, 31 तारीख को तो उसी दिन लग चुका था, तो हम लोगों को उस समय ये बातें कहनी चाहिए थी कि जो लोग जहां हैं उन लोगों को, जैसे अलग अलग राज्यों ने अपने लोगों को वापस बुला लिया था अलग अलग बसें भेज करके, हमें भी चाहिए था। हालांकि बिहार सरकार ने भी कुछ बसों की व्यवस्था की थी, आपने दिखाया भी था कि कुछ लोग जो आ चुके थे उन लोगों के लिए बसों की व्यवस्था की थी, लेकिन वो सलूशन नहीं था। हमें ये भी आंकड़ा अभी तक पता नहीं है, डोमिसाइल नीति की बात हम करते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं, हम बात करते हैं NRC की बात करते हैं, NPR की हम बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बिहार से कितने प्रवासी बाहर जाकर के रोजी मजूरी करते हैं और किस किस राज्य में हैं, ये हमारे पास आंकड़ा नहीं है। और ये आंकड़ा शायद इसके बाद नीतीश कुमार जी या जो भी सत्ता पर हैं वो समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी आप वोट देने के लिए लोगों को जरूर बुलाते हैं, आप समय भी चुनते हैं, उस समय की छठ का समय हो या और भी कोई समय हो जिस समय लोग आ जाएं और आकर के आपको वोट देने, आपको जिता दें, तो आपको याद रखना होगा कि लोग भोजन भी करते हैं और भोजन करते हैं तभी उनका शरीर खड़ा रहता है और तभी वो आपके लिए भी खड़े हो पाएंगे। भूख से बड़ा मैं जितना जानता हूँ, मेरी उम्र जितनी है उसमें मैंने यही सीखा, समझा और जाना है कि अगर भूख नहीं होती तो इंसान कोई काम नहीं करता, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो जी। रिचा, जैसे 2 दिन पहले आप गई थी दिया वाला स्टोरी करने के लिए, जिसमें आपने देखा था वहाँ पे दिया बनाते हुए जो लोग थे भूखे थे, उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था। आज के डेट में वो कह रहे थे कि 1 रुपया का एक दिया बिकता है, 100 दिए बिकेंगे तो 100 रुपये मेरे पास आएंगे, उससे राशन लेना है, और 100 रुपये आज के डेट में कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उस समय जब आपने पूछा कि दिया जलाइएगा, मोदी जी तो बोले हैं, तो उन्होंने साफ साफ क्या कहा था कि दिया तो ज़रूर जलाएंगे, क्या बोला था उन्होंने आप बताइए। उन्होंने कहा तो था दिया जलाने के लिए, लेकिन बात यह है क्योंकि
लोकतांत्रिक हमारा देश है और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक पिता तुल्य हुए हैं, वो मुखिया हुए हैं, तो लोग इसलिए भी क्योंकि वो मुखिया है और मुखिया के मुख से अगर कोई बात निकल गई तो वो भरोसे की बात हो जाती है, उस भरोसे के साथ लोगों ने कहा था कि दिया जलाएंगे। लेकिन अगर सवाल उठता है कि लोग खाएंगे कैसे, जो बिहार का कंडीशन है, कोरोना से तो भले मरे ना मरे लेकिन यहाँ के लोग भूख से जरूर मर जाएंगे जी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कह रहा है, ये हमने जो तस्वीरें देखी है वो कह रहा है, वो मजबूर वो मजदूर लोग कह रहे हैं जो इस त्रासदी को झेल रहे हैं। कोरोना रूपी त्रासदी के साथ साथ भुखमरी की आपदा जो है वो काफी बड़ी हो जाती है। एक डेटा और एक इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले जहां से मुख्यमंत्री ने राजनीति शुरू की थी, उनके गृह जिले की हालत अगर आपको बताएं तो वहां पे चार साल से वहां एक गांव है महानंदपुर गांव, चार साल से लोग वहां भूखे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, राशन लेने जाते हैं, अनाज लेने जाते हैं तो जो डीलर है वो कहते हैं कि उजला कार्ड धारकों को अनाज नहीं दिया जाएगा। और ये कोरोना की बात नहीं है, अभी अगर हम बात कर रहे हैं भुखमरी की तो ये अभी की बात नहीं है, उस गृह जिले के लिए, उनके गृह जिले की बात करें, महानंद जो गांव है महानंदपुर उसकी बात करें तो चार साल से वहां के लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि गृह जिले की ये हालात है तो बाकी और जिलों की तो बात ही हटा दीजिए। तो ये चीजें आई हैं, जो तस्वीरें हैं वो साफ बयान कर रही हैं कि कोरोना से मरे ना मरे, भुखमरी से तो जो लोग जो हैं वो जरूर मर जाएंगे अगर ऐसा कंडीशन रहा, अगर ऐसी व्यवस्था रही। दीप जलाने से क्या होगा, एकजुटता दिखाने की बात ही ठीक है, लेकिन दीप वो लोग कैसे जलाएंगे जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास बालकनी नहीं है। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बालकनी में दीप जलेगा, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो सपना देखते हैं वो सिर्फ अमीरों वाले के लिए सपना देखते हैं, वो ये क्यों भूल गए थे कि ऐसे गरीब लोग हैं, क्योंकि हमारा भारत गांवों का देश है, ऐसे गांव भी हैं हमारे यहाँ जो लोग झोपड़ी में, कुछ लोग के पास तो घर ही नहीं है, वो कहाँ चलाएंगे। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं वो भूल गए थे। एक बार आपने कंकड़बाग जब हम जा रहे थे तो कंकड़बाग पे फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे ऊपर, तब आपने ये बात कहा था जी कि ये लोग यहाँ सोते हैं क्या, इनके पास तो घर ही नहीं। अब सोचो रवि कि वो लोग कहाँ सोचेंगे ये दिया जलाएंगे जी। एक जुटता कैसे दिखेगी, क्या एक जुटता सिर्फ एक खास तबके के लिए है, शहरी तबका जो बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग में रहता है, जिसके पास खाने के लिए है, रहने के लिए, क्या बस उस तबके के लिए बात हो रही है? अगर सिर्फ एक तबके की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री के मुख से ऐसी बातें बिल्कुल शोभनीय नहीं है, माफ कीजिएगा कहना सही नहीं है पत्रकार की हैसियत से भी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते से, क्योंकि हम ये शो करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना हम अपनी विचारधाराओं को भी प्रकट करते हैं, हम जो सोच रहे हैं जो महसूस कर रहे हैं उसको भी प्रकट करते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये कतई सही नहीं है कि आप एक हिस्से की बात कर रहे हैं जी। अगर आप देश के पिता हैं, अगर आप मुखिया हैं, तो दोनों तबके के लिए को लेके चलिए। क्यों आप भूल जाते हैं कि भारत देश अधिकांश जो हिस्सा है वो गांवों में बसता है जी। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं है। तो अभी जिम्मेदारी थी उन लोगों के लिए सोचने की, अभी जिम्मेदारी दीपक जलाने की बात नहीं थी, अभी दिवाली मनाने वाली कंडीशन नहीं है, अभी देश जिससे जूझ रहा है वो काफी बड़ा मुद्दा है, वो काफी बड़ी विपदा है, और इसके साथ साथ जो बड़ी समस्या होने वाली है वो है भुखमरी की। तो इन सब से निपटने के लिए, क्योंकि एक बार तो हमने गलती कर दी है, क्योंकि एक बैग इमरजेंसी लगा देना, एक बैग लॉकडाउन लगाना, ये गलती थी कि पहले से तैयारी नहीं है और इस तैयारी का खामियाजा हमने भुगता है जी। तो भुखमरी के लिए तो कम से कम अभी से डटे रह जाए। कहां गया वो फंड सीएम कोष में जो भरा गया है, फंड दिया गया है, कहां गया वो फंड जिसको पीएम कोष में दिया गया है, उसका कोई आंकड़ा है क्या, कोई पारदर्शिता है क्या कि वो खर्च कहां किया जा रहा है? सवाल खड़ा कर दिया है और मैं बिना बोले इस पर नहीं रह पाऊंगा। जो तुमने फंड की बात की है, पीएम फंड की, कोरोना फंड की बात की है, ये बिल्कुल ही एक नया फंड है, और क्या सरकारों को सिर्फ उस फंड में पैसे के लिए भारत के लोग चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न दुखद भी है। निश्चित रूप से पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, चूंकि एक बड़ी महामारी है, इस आपदा से हमें लड़ना है, लेकिन लास्ट में हम यही बात दोहरा करके इसको क्लोज करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जितने भी जी हैं जिनके हाथ में सत्ता है,
भूखे भजन न हो ही गोपाला। इससे बड़ा अगर शब्द कोई आपके पास है तो हमें भी बताइए, हम भी ढूंढेंगे उस शब्द को और उस शब्द की मर्यादा को पार करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा बाबा, जिस तरह से उन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया कि अगर मोदी जी ने कह दिया है दीपक जलाएंगे तो भले हम भूखे हैं लेकिन दीपक तो जलाएंगे, एक भरोसा दिलाया है उन्होंने आपके ऊपर, एक भरोसा किया है, उस भरोसे को तोड़िए मत। जिस तरह से आज स्थिति हो गई है, आपको ज़रूरत है कि कम से कम उस स्थिति को काबू किया जाए। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, यहीं पर इस रातों रात को समाप्त करते हैं। और अगर आप भी, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, क्योंकि हमारे दर्शक हमेशा ही कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और सारे कमेंट्स बाबा भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ऋचा भी यहाँ पर पढ़ती हैं सारे कमेंट्स को। तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये शो। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारी खबरें आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाए। यही रातों रात नहीं, कल वाला रातों रात भी आपके पास आएगा, परसों भी आएगा, रोज़ आएगा, कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।